तो दोस्तों आइए हम इस पैच की प्लेइंग देख लेते हैं। पैच कैसे प्ले होगा। पैच जब आप गाने को सुनेंगे तभी आपको अच्छे से अनुभव होगा कि हमें कौन सा बीट कहाँ पर हमें बीट कर रहा है। जैसे ये आपका है, ये वाले को या आठवें वाले को नगाड़ा की आवाज़ है ये, तो ये आपको स्टार्टिंग में बीट करना है। कैसे, जब आप म्यूजिक बजेगी तो आपको सुनना है कि कैसे इसको बीट करना है, इस पर रगड़ना है कैसे। ये मतलब ऐसे ऐसे आगे पीछे स्टिक करनी है इस पर स्पीड में, कैसे ये चीज़। और जब म्यूजिक बजेगी तो आपको अनुभव होगा कि कैसे हमें कहाँ पर लगाना है, कैसे ये चीज़। ये 2 बार बीट करना है, फिर इस पर बीट करके ये चीज़, मतलब ढोलक के साथ ही ये बीट होगा, मुखड़ा जिसको कहते हैं। फिर ये आपका मेन रिदम, ये आपका ये रहेगा फ्रंट वाला जो चलेगा आपका परमानेंट, कैसे चलेगा ये, कैसे। उसके बाद फिर नगाड़ा लगाना है, मतलब भरा वाला, तो कैसे इसको लगाना है, ऐसे करना है कैसे। क्योंकि ये परकसन पैच है, क्योंकि इसमें बेस लगाते नहीं बना, इसलिए ये ढोलक के साथ बजाने के लिए उपयुक्त पैच है ये। और बेस इसमें नहीं है, अगर आप चाहें तो ये बेस आप लगा सकते हैं। मैंने जो भी बेस प्ले किया है वो अलग से मैंने लगाया ताकि पैच का भराव आ सके, ताकि आप समझ सके कि हाँ ये ढोलक के साथ अच्छे तरीके से बज सकता है। तो मैंने इसमें बेस नहीं लगाया, बेस मैंने अलग से 2 खाने लगा करके मिक्स कर दिया है, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये पैच ढोलक के साथ अच्छे से मतलब कार्य करेगा। तो मुखड़ा देखिए ऐसे ढोलक के साथ, ऐसे। उसके बाद क्या आता है बीट आपकी, ये आती है कैसे, ये आपका ये चीज। उसके बाद में आपका एक आता है जो है म्यूजिक, मतलब म्यूजिक में एक बीट आती है कैसे, देखिए आप दोस्तों। उसके बाद ये चीज, ये चीज कैसे, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये चीज। तो ये ऐसे आपको बीट करना है कैसे, इस तरह से आपको बीट करना है। जब आप गाने को सुनेंगे तभी ये पैच को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर वेरिएशन अलग अलग इसमें बजता है अलग अलग हर जगह पर। तो ये कि ये नहीं कि आपको ये खंड बता दे तो वो परमानेंट वही चलाया करी मतलब करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो जब आप गाने को सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद में ये बीट करने के बाद आपका कौन सा बीट आता है, ये आपका देखिए दोस्तों। जब आप गाने को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर ये लगा होगा, कैसे ये। उसके बाद में क्या आता है दोस्तों, ये चीज कैसे कैसे ये चीज। उसके बाद में आपको क्या लगाना है, यहां पर ये चीज आपको लगाना है। कितना लगाना है, जब आप सुनेंगे तो आपको अनुभव होगा कि हमें कितना लगाना है। तो अब हम इस पैच की एडिटिंग देखते हैं।